आजाद है अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। अशार के जरिए एक रूहानियत की कैफियत हमारे लोगों के अंदर पैदा की। उस वक्त जब ये वतन अजीज को हासिल करने के लिए आवाजें बुलंद हुई तो बाद लोगों ने हमारी कौमियत को वतन से जोड़ा और कहा कि कौमें वतन से बनती हैं। अलामा इकबाल उसका रद्द करते हुए फरमाते हैं, कौमें वतन से नहीं मजहब से बनती। अपनी मिल्लत पे कयास अकवाम मगरिब से न कर, आस है तरकीब में कौम हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ल पर इंतजार, कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत। हम मुसलमान हैं और बीइंग द मुस्लिम हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी है। हम अपना रिलीजियस आइडेंटिटी रखते हैं, मजहबी तशक्कुस रखते हैं, हम इकोनॉमिकल आइडेंटिटी रखते हैं, मुआशी तशक्कुस रखते हैं, हम सोशल आइडेंटिटी रखते हैं, हम मुआशरती तशक्कुस रखते हैं, इसी तरह हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी रखते हैं, हम सियासी तशक्कुस भी सब लोगों से गुजार रखते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है, हमने अल्लाह उसके रसूल की बात को सबसे पहले मुकदम रखना होगा। इसीलिए मुख्तलिफ मकामात पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर में ये अल्फाज मिलते हैं कि आप एक मुस्लिम कौम को अलग से तशख्स के साथ जीता हुआ देखना चाहते हैं। आपने इसका मुतअद्दद मरतबा इज़हार किया, एक मुस्लिम स्टेट बने। इसलिए आपने फरमाया कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसी ममलुकत देखना चाहता हूँ जिसकी आज़ाद फिजाओं में मुसलमान सांस ले सके। अलामा इकबाल ने जिस तरह अपने खुतबात के जरिए अशार के जरिए उम्मत को दिलाया, 1940 मिंटो पार्क में करारदादे मकासद दो कौमी नजरिया की वजाहत की, ये टू नेशन थ्योरी ने ही हमें एक आइडेंटिटी दी कि हम मुस्लिम कौम हैं। यहाँ एक कौमी नजरिया पेश ना किया गया बल्कि दो कौमी नजरिया पेश किया।
कौमी किस्मत से हमें आज तक कोई मुखलिस लीडर ना मिल सके, और जो क़यादत की तरफ आए, बाद ने यक निकाती एजेंडा पेश किया और एक कौमी नज़रिए की आवाज़ बुलंद की और कहा कि पाकिस्तान तो एक सेकुलर स्टेट है, अगर ये एक सेकुलर स्टेट था तो इसको बनाने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तकरीबन 97% मुस्लिम आबाद, हम माइनॉरिटीज को राइट्स देते हैं, उनको पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, हम उनको इकोनॉमिकल राइट्स देते हैं, हम उनको सोशल राइट्स देते हैं, लेकिन यहाँ का कानून जो सुप्रीम लॉ है वो कुरान और सुन्नत होगा। आज 75 ईयर गुजर गए, डायमंड जुबली हम बना रहे हैं, हम अपने हमसायों को देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम अभी तक अपने दाखिली इंतशार और अपने मामलात को भी कंट्रोल करने में कामयाब ना हो। शदीद मौशी बहरान से हम बहुत दूर तक चले हैं, आइए आज हम सिर्फ नौजवान तबकों को यही ना कहें कि हम आज़ाद हुए और वो चंद बाजा बजा कर मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल कर और आवाज़ बुलंद करके ये ना समझे कि हम आज़ाद हैं। असल आज़ादी ये है हम अपने बुजुर्गों को पढ़ें, बर्रे सगीर के हालात का जायज़ा लें, किन मकासद के तहत 20 लाख लोगों ने शहादत का जाम पिया, उन मकासद को देखें और फिर हम देखें हमने क्या खोया क्या पाया। कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने नजरिए के साथ, जो कौमें अपने नजरिए से हट जाएं तो फिर वो हाकम बदहन उनका चेहरा भी दुनिया के सामने बात नहीं। मदीना तैयबा के बाद इस्लाम के नाम पे बनने वाली दूसरी रियासत जो मदीना तैयबा का ही उर्दू तर्जमा है पाकिस्तान, ये हमें इस बात की तल्कीन करता है कि हम इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबियारी की इस्लाम के निफाज की कोशिश, प्रैक्टिकली हम अपने बच्चों की तरबियत सिखाते हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए अपने नौजवानों की तरबियत की बड़ी ज़रूरत है। इकबाल के शहीन अपनी आइडेंटिटी में बड़े मजबूत हैं, जब बारी का हारी जब अरूद ये चारों अनासिर हों मेरे हाथ में से जब तक मेरे मुस्तफा का दाम मेरे पाँव चूमती थी। आज कुरान की तिलावत करें, शहदा की रूह को पेश करें, आप दुआएं करें अल्लाह इस मुल्क को इस क़यादत अता करे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, आयत करीमा पढ़ते हुए रब की बारगाह में हाथ बुलंद करें। इस्लाम ने मायूसी से मना किया, ना उम्मीदी तो गुनाह है, हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला हमें यकीनन एक मुखलिस हुक्मरान देगा और इंशाल्लाह ये मुल्क कामयाबी की राहों पर गामजन होकर ना सिर्फ एक इस्लाम की आइडेंटिटी को वाजे करेगा बल्कि हर तबके में इंशाल्लाह ये मुल्क कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला यौमे आज़ादी पाकिस्तान और इस दिन की बरकत से हमारे शहदा की कुर्बानियों को कबूल फरमा के परवरदिगार हम सब को भी मुखलिस होकर इस मुल्क के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।